महिलाएं नहीं रोकने देंगे। बाप सर्वधाम वाले बाबा को नहीं रोकने देंगे। रोकने का वजह बताइए, आखिर रोकने है क्या, क्या मतलब कि रोकने का क्या है, उनको क्यों रोका जा रहा है, आखिर वो ऐसा क्या काम करेंगे भाई आप? अब हम कह देंगे कि बिहार गांधी मैदान मेरे बाबूजी रजिस्ट्री करके गए, मानने वाला बात है नहीं ना? वो भूल रहे हैं कि वो अब तालिबान में आ रहे हैं। बिहार बिहार रहा कहाँ, यहाँ तो तालिबानी कानून चल रहा है, जिसको जो मन में किए जाओ, हमारा मन ये गलत है तो गलत वही सब चल रहा है। तेज प्रताप जी को बताइए कि आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, इसलिए कि जो आस्था पे बिलीव करते, जो गरीब जिनका बहुत खर्च होता वहाँ जाने में, वो देखेंगे अरे ये भी नेता हमको तो यही बुला लिया। कौन बाबा है कि ढोंग नहीं फैलाते हैं बताइए, कौन बाबा जो है उंगली पे गिनवा दे कि कौन कौन बाबा ढोंग नहीं फैलाते हैं? आप बोलने वाले होते नहीं किसी को, आप रोकने वाले भी किसी को नहीं होते हैं। अब कोई बड़बोलापन पे बोल रहा है बोलने दीजिए, थोड़ी उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी एयरपोर्ट पे, अंधेर कर दी है क्या? जाएंगे तो आप भी जाएंगे वहाँ पर अर्जी लगाने? हाँ मिलने जाएंगे, अर्जी लगाने तो नहीं जाएंगे। मुस्लिम है फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से मिलने जाएंगे? बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है बिहार आ रहे हैं, हालांकि इससे पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में सियासत शुरू हो गया है। एक गुट के द्वारा जो है उनका विरोध किया जा रहा है कि उनको बिहार में नहीं घुसने देंगे, हालांकि दूसरे गुटों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि है हिम्मत तो कोई रोक के दिखा दे, बागेश्वर बाबा जो है वो बिहार आएंगे और उनका स्वागत जो है वो भव्य तरीके से होगा। इसके लिए नौबतपुर में जो है तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ बीना मानवी मैम है और इनकी पूरी टीम है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के आने से पहले ही कहा जा रहा है कि उनको बिहार में नहीं घुसने देंगे? अच्छा जो बोल रहे हैं ये बात कि नहीं घुसने देंगे, तो शायद देखिए कहीं ना कहीं अनुभव की कमी है या जानकारी की कमी होती है, क्योंकि बिहार जो है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। अब हम कह देंगे कि बिहार गांधी मैदान मेरे बाबूजी रजिस्ट्री करके गए, मानने वाला बात है नहीं ना? तो उसी तरह उनको इस तरह बोलना कि घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, और सियासत का जो खेल चल रहा है तो वो अपनी, बिल्कुल तेज प्रताप जी ने ये बात कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि वो नहीं आने देंगे, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं ये बात, आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो खुल के जो हमारा सनातन धर्म है उसके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो खुद एक कृष्ण भक्त हैं और उनकी मजबूरी है कि अगर बोलेंगे तो अभी जो पार्टी वार्टी का है आरजेडी वगैरह इसमें नहीं बोल पाएंगे, तो आखिर वो कैसे मार्केटिंग करें, तो नेगेटिव बोलेंगे तो। अच्छा, ये बताइए कि उनका विरोध जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है या फिर लोग भी विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आरजेडी और बीजेपी जो है आपस में लड़ रहा है, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है? नहीं नहीं, जो लोग होंगे वो भी पार्टी के ही लोग। आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार को जो है इससे वोट बैंक मतलब का काम करेगा? देखिए कुछ नहीं होता है ऐसा, जो डरते हैं अभी देखिए, कभी आप डरे तो किसी पे एनएसए लगा के जेल में डाल दीजिए, कभी आप डरे तो बाबा को आने से रोक दीजिए, तो इतना डर किस बात का है आपको, जो इस तरह के वक्तव्य देना ये गलत है। इससे पहले ये खबर चल रहा था कि वो गांधी मैदान में आएंगे, हालांकि गांधी मैदान में उनको नहीं दिया गया परमिशन। हाँ वो तो देखिए यहाँ पे सियासत, अब जिनकी सरकार है वो अगर चाह जाएंगे कि गांधी मैदान नहीं देना है तो हमारे डीएम साहब की हिम्मत है कि वो दे देंगे, नहीं ना देंगे, तो उसी तरह ये तो वहाँ हुआ तो वो नौबतपुर बेचारे चले गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पर्सनली भाई वो बिहार में नहीं, वो भूल रहे हैं कि वो अब तालिबान में आ रहे हैं। बिहार बिहार रहा कहाँ, यहाँ तो तालिबानी कानून चल रहा है, जिसको जो मन में किए जाओ, हमारा मन ये गलत है तो गलत वही सब चल रहा है। ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अब सोचिए कि अगर देखा जाए तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा पर यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में FIR भी दर्ज कर दिया गया है। देखिए जो किए हैं ना, हम अभी आप यहाँ खड़े हैं, हाँ। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अच्छा, यानी कि सारे लोग हैं एग्जैक्टली exactly, हाँ। तो हम ये धर्म वर्म से ऊपर काम करते हैं, हम हाँ। लोग इंसानियत में काम करते हैं, हाँ। अब कौन क्या बोल रहा है, जिनको राजनीति की रोटी सेकनी है वो कुछ भी बोल सकते हैं। प्रताप यादव जी जो है वो बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटते हैं, ऐसा देखिए ये गलत बात है। सब अपने कौम के लिए सब प्रशंसा करते हैं, सब प्रचारक हैं अपने धर्म के लिए, धर्म के प्रचारक अपने धर्म का प्रचार तो करेगा ही ना करेगा, ये गलत कहाँ है ये बताइए ना। अब मैडम से पूछिए कि इनके भी धर्म के लोग हैं, करते हैं कि नहीं करते, तो कल को इनके अच्छा, ये बताइए कि आप जो है किस कैसे देखती है इसे, बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है बिहार आ रहे हैं? देखिए बाबा आए या मुल्ला आए या पंडित आए या मौलवी आए,
वो सब अपना रोटी सेकने के लिए आते हैं। ये हमारा यहाँ हमारा इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा बिहार है। अब बिहार में हमारा एक अपना मिसाल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे सब हमारे भाई भाई हैं। और बागेश्वर बाबा आए या कोई मौलवी आए या कोई मौलाना आए, उससे हम लोग कुछ होने वाली नहीं है। और ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत। वो जो आ रहे हैं उनका जो विरोध किया जा रहा है, ये विरोध होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो आ रहे हैं तो ठीक है, बीजेपी के मतलब वो बीजेपी मेंडर है, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, मतलब ऐसा लोग राजनीतिक एक से मतलब तराजू से तौल रहे हैं। बाकी ठीक है, तो कोई आते हैं जो जो आरजेडी का सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी वाले तो नहीं रोकते हैं, ये गलत है। कहीं अच्छा, कहीं ये बताइए कि क्या बाबा पटना आएंगे तो आप भी जाएंगे वहाँ पर अर्जी लगाने? हाँ, मिलने जाएंगे, अर्जी लगाने तो नहीं जाएंगे। मुस्लिम है फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से मिलने जाएंगे? भविष्य कौन अरे है? देखिए, मिलना किसी से ऐसा थोड़ी, जहर खाने से ना मरता है, छूने से थोड़ी मरता है। बाबा के पास जाएंगे तो बाबा हमको थोड़ी खरीद लेंगे या बाबा हमारे हमको भक्त बना लेंगे। अरे देखने के लिए जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे, हम जाएंगे। मैम आप भी अर्जी लगाएंगे बाबा के पास? देखिए, अर्जी नहीं लगाएंगे क्योंकि पर्सनली कुछ सिद्धांत मेरे मैच नहीं करता है उनसे, ठीक है। मैं उनकी विचारों को शायद मैं नहीं मानती हूँ पर्सनली, लेकिन मुद्दे की जब बात होगी तो मुद्दे की बात तो कर ही सकते हैं ना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है अंधविश्वास फैलाते हैं। नहीं, वो मैडम बहुत जाना चाह रही है, उनसे पूछिए, जाएंगे। आप जाना चाह रही है बाबा के पास? देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा उनका वीडियो वगैरह नहीं देखती थी, लेकिन कल मेरी मैं तो कहाँ की रहने वाली है? मैं तो बेसिकली बिहार से हूँ, ऐसे हमारा घर करनाल में है, पंजाब में। पंजाब में आपका घर हुआ, तो बाबा से मिलने अब जाएगी? देखिए, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी बेटी जो है वो वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है, उसने बोला कि मम्मी बाबा आ रहे हैं तो कहीं से भी। आज तक मैंने उसको कभी देखा नहीं किसी भी भगवान के लेके पूजा करना या कुछ ऐसा, कभी नहीं। लेकिन पहली बार उसके मुंह से निकला है कि मम्मी मेरे को भी बाबा आ रहे हैं, कुछ इंतजाम करो, मेरे को भी जाना है। तो ये युवाओं में के पास माँ और बेटी अब दोनों लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो वहाँ पर क्या कुछ मतलब अर्जी आप लोग लगाने वाले? देखिए, अर्जी तो मुझे कुछ नहीं लगानी है क्योंकि मैं साई बाबा को मानती हूँ और भगवान का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, तो मुझे अर्जी लगाने की वैसी नहीं है। लेकिन हाँ, सामने से फ्रंट देखना चाहती हूँ कि क्या सच्चाई है नहीं है, जैसा कि लोग बताते जो, हैं। जो बहुत सारा ये लोग जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि बाबा जो है ढोंग करते हैं, पाखंडी है, अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसे लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, वो तो आप बगल वाले घर में रहोगे, वो भी आपकी बहुत सारी शिकायतें करेंगे। इसलिए कौन बाबा है कि ढोंग नहीं फैलाते हैं, बताइए कौन बाबा जो है उंगली पे गिनवा दे कि कौन कौन बाबा ढोंग नहीं फैलाते हैं। हाँ, मानना है बाबा लोग तो लोग ज्यादातर लोग कहते हैं कि ढोंगे फैलाते हैं, ऐसे तो मतलब लोग सोचते हैं कि बाबा है तो कहीं कहीं इसमें मैं बोलती हूँ तेज प्रताप जी को ये वीडियो दिखाइएगा। हाँ। और उन्हें बताइए, वो अपने आप को गरीबों की नेता बताते हैं, सही है। आस्था से किसी को नहीं रोक सकते। अभी अभी आपको एक पंजाबी ने बोला कि हमारी बेटी का आस्था है इसलिए हम जाते, तो इनको आप रोक नहीं पाइएगा। यहाँ रोक लीजिएगा, ये चली जाएंगी वहीं बागेश्वर धाम, ठीक है। अब देखिए कितने सारे गरीब हैं जो वहाँ आएंगे, उनको ये नहीं रोक पाते, ये बागेश्वर धाम जाते, इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा अगर वो उनका स्वागत करेंगे। वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? मैं क्या बोल रही हूँ, तेज प्रताप जी को बताइए कि आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा इसलिए कि जो आस्था पे बिलीव करते, जो गरीब जिनका बहुत खर्च होता वहाँ जाने में, वो देखेंगे अरे ये भी नेता हमको तो यही बुला लिए, तो कई गरीब उनका भी आस्था वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो और प्रिय हो जाएंगे। उनको बताइए कि आप और ज्यादा गरीबों में लोकप्रिय हो जाइएगा, इसलिए ना तो उनका अधिकार है कि यहाँ आतिथ्य। देखिए, बिहार जिस चीज के लिए हमेशा माना जाता है कि अतिथि का बहुत स्वागत करते हैं, अतिथि का इसका वो हनन नहीं कर सकते किसी के व्यवहार पे, तो ये हम लोगों के संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी लोग चाहे तो अपने धर्म के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो क्या उनको बिहार आने से जो है एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा तेज प्रताप यादव जी? बिल्कुल नहीं, इसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोग उनका विरोध करते हैं, उनके रोकने का, तेज प्रताप जी का, तेज प्रताप यादव जी का विरोध कर इस बात पे, रोकने पे। कोई भी रोकता है तो आस्था का हनन ये मत कीजिए। हर व्यक्ति को किसी भी किसकी हम किसी की अनुयायी हो सकते हैं, नहीं है ऐसा। ऐसा कि देखिए, नट सेल में इसको यही कहेंगे, ठेठ में, कोई किसी की बपौती नहीं है, हमारे टैक्स से चल रहा है। आप बोलने वाले होते नहीं किसी को, आप रोकने वाले भी किसी को नहीं होते हैं। अब कोई बड़बोलापन पे बोल रहा है, बोलने दीजिए, थोड़ी उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी एयरपोर्ट पे, अंधेर कर दी है क्या, ऐसा थोड़ी होता है।
ये बिहार में अगर होता है ना तो हमारा भी अपमान है, इसलिए कि हमारे यहाँ वो अतिथि हैं अभी। हम तो यही मानते हैं, हमारे यहाँ से लाखों के लाख लोग बागेश्वर धाम जा रहे थे, अभी ये भी जाति साक्षी को लेके, तो ये तो बची ना, यही मिल लेंगी, ये तो सक्षम थी। कई गरीब नहीं सक्षम है, उनको देखना चाहती है, उनको समझना चाहती है। ऐसे यहाँ कोई अगर गांधी मैदान में लगाते तो लोग नहीं आते हैं, तो ये और सुविधा वो भी साथ दें। भाई गरीब उनका नहीं, उनमें शक्ति होगा नहीं, उनको फल मिलेगा तो आप खुश हो जाइए। अच्छा, तो लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है पटना आएंगे तो आप लोग जाके स्वागत करेंगे वहाँ? उतना भीड़ में कैसे जाएंगे हम लोग? 2.5 लाख लोग उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एकदम करनी चाहिए, स्वागत में रहनी चाहिए। अब देखिए, हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही इस मामले में, हम दिल से स्वागत कर रहे हैं, हम यहीं से स्वागत कर रहे हैं। अब उतनी भीड़ में थोड़ा धक्के खाने की तो आदत है नहीं, इसलिए जाना मुश्किल है, हमारा जाना मुश्किल है। अच्छा ये मैम बताइए, आपसे एक लास्टली में प्रश्न होगा कि आप जो है मुस्लिम है और बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, तो ऐसे में उनका समर्थन आप कैसे करती हैं? अरे धर्म धर्म आप काहे धर्म का पाठ हमको पढ़ा रहे हैं? धर्म धर्म मत पढ़ाइए। आप धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखिए, आप ये नहीं सिखाता है कि धर्म के आपस में बैर रखिए। अगर आप भगवान को मानते हैं, हम खुदा को मानते हैं, तो भगवान और खुदा में नाराजगी नहीं रहता, इंसान में क्यों रहता है? हम तो यही जानना चाहते हैं कि भगवान और खुदा तो अपने अपने जगह पर ठीक रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं ने, मंत्रियों ने जिस प्रकार से दो गुटों में बांट लिया है, इसी कारण मतलब इसी पर राजनीति होता है। आप समझ जाइए, एक कुर्सी का खेला है, बस सारा खेला कुर्सी राजनीतिक पे है, कहीं धर्म में नहीं है। कहीं आप मुस्लिम के पास जाइए, कहीं हिंदू के पास जाइए, कहीं कुछ नहीं है, सब भाई भाई हम लोग हैं। बाकी ये जो है सारा कुर्सी का खेल है। बाकी आप देखे होंगे कि जब से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का पटना में आने को लेकर खबर चला है, उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं राजनीति पार्टियां जो है वो दो गुटों में बट गई है। एक तरफ से उनका विरोध किया जा रहा है तो एक तरफ से समर्थन किया जा रहा है। अरे नहीं रोका जाएगा, मतलब नहीं रोका जाएगा, क्यों रोका? संविधान सबको पता है, क्या वजह रोकने का? वजह बताइए आप। कानून सबको डर देंगे, हम महिलाएं नहीं रोकने देंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा को नहीं रोकने, रोकने का वजह बताइए। आखिर रोकने का क्या क्या मतलब, क्यों रोकने का क्या है, उनको क्यों रोका जा रहा है? आखिर वो ऐसा क्या काम करेंगे भाई आपके बिहार में आकर? अरे खुदा की बंदी तैयार है, बिल्कुल नहीं रोकने देंगी। आएंगे नहीं, आएंगे अपना कथा सुनाएंगे, दर्शन करेंगे, जाएंगे, इसमें डर की क्या बात है? सिंपल बात है। चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।